पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत वालों नवजोत सिंह सिद्धू ते चार कांग्रेस के कार्यकारी प्रधानों की तुलना पांच प्यारियां नाल की गई तो यह मामला हुण पकदा जा रहा है। इसे कड़ी के हुण श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने हरीश रावत नूं नसीहत दी है, कहा कि कुछ भी ना बोल देण सियासी आगू, लोगों दी धार्मिक भावनावां का ख्याल रखना बहुत जरूरी है जदों तुसीं पब्लिक लाइफ में हुंदे। हरीश रावत सिख कौम तो माफ़ी मंगण क्योंकि उन्होंने भावनावां नूं ठेस पहुँचाई। तुहानूं दस दईए कि कल हरीश रावत ने मुलाकात करन तो बाद सिद्धू ते चार कार्यकारी प्रधानां नाल मीडिया नाल गलबात करदे हुए इन्हां दी तुलना पंज प्यारियां दे नाल कर दित्ती सी। उस तो बाद विवाद जिहड़ा होर ज़्यादा पकदा नज़र आ रहा। हुण अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने कहा कि माफ़ी मंगनी चाहीदी है और जदों सियासी आगू कोई बयानबाजी करते हैं तो उन्होंने लोगों दी भावनावां दा ध्यान भी रखना चाहिए। पोलिटिकल बंदियां दी तुलना जिहड़ी है वह पंज प्यारे साहिबान दे नाल कीती है, ये बहुत ही मंदभाग है। पोलिटिकल जिहड़े लीडर्स ने इन्हां नूं भाषा बोलते वक्त भाषा इस्तेमाल करते वक्त बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। संयम दे नाल भाषा वरती जाए, किसी दीयां भावनावां नूं ठेस ना पहुँचे। बहुत ही मंदभाग है संसारी व्यक्तियों की तुलना दुनियावी व्यक्तियों की तुलना जिहड़ी है वह पंज प्यारे साहिबान दे नाल करना। मैं समझदा कि उन्हां नूं इस गल की जिहड़ी है माफ़ी मंगनी चाहीदी है समुचे सिख जगत के कोलों। इधर पंज प्यारियां वाले बयान ते हरीश रावत ने बाद दे विच माफ़ी भी मंग ली। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ने ट्वीट करके माफ़ी मंगी। उन्हां कल चंडीगढ़ में हरीश रावत ने विवादित बयान दिता सी। रावत ने पंज प्यारियां नाल सिद्धू ते चार कार्यकारी प्रधानां दी तुलना कर दित्ती सी। श्रोमणी अकाली दल ने बयान वापस लैण अते सिख कौम तो माफ़ी मंगण की मंग भी की सी। अज हरीश रावत ने सफाई दी, पहला ट्वीट किया फिर बयान भी दिता कि अगर किसी दी भावनावां नूं सट वजदी है तो वह इसलिए माफ़ी मंगदे। मैंने तो एक सम्मानजनक उद्बोधन समझ करके वो शब्द कहा था, फिर भी मेरी बात से किसी का दिल दुखा हो, किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने अपना अपने शब्द वापस लिए और मैं प्रायश्चित स्वरूप अपने राज्य के किसी गुरुद्वारे में झाड़ू लगा करके प्रायश्चित भी करूँगा।